गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। याद कीजिए, हमने अभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उसमें एक एम्ब्रियो मतलब एक जायगोट की फॉर्मेशन हुई थी और दूसरा हमारा एंडोस्पोर की फॉर्मेशन हुई थी। आज हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में न्यूक्लियस कैसा है, 3M ऑलरेडी डिप्लॉयड क्या था वहाँ पे, न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उसके साथ मेल गैमेट जाके बाइंड कर गया था, इसलिए न्यूक्लियस कैसा हो गया, 3N हो गया। ठीक है, मेनली एंडोस्पोर की जो काम है, मेन फंक्शन जो है उसका काम है एक्यूमुलेट करना फूड रिजर्व, एक्यूमेट मतलब इकट्ठा करना फूड रिजर्व। ठीक है, और न्यूट्रिटिव फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइड कराना है एम्ब्रियो सैक को ताकि एम्ब्रियो इजिली ग्रो कर सके। ठीक है, तो जो आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है ये 3 टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियर, एक सेलुलर, एक हेलोबियर। ठीक है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियर। फर्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में फर्स्ट डिवीजन होता है। ठीक है, ये डिवीजन आपकी ये जायगोट की फॉर्मेशन से पहले होगा। ठीक है, न्यूक्लियर जो होता है, फर्स्ट डिवीजन जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है, मतलब एक ऐसे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अ फ्यू सब्सिक्वेंटली न्यूक्लियर डिवाइडेड आर अकम्पलीट बाय द वॉल फॉर्मेशन। जो अदर्स होते हैं वो मतलब देखिए, एक न्यूक्लियस ही बना, बाकी और भी बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उनके चारों तरफ एक वॉल की, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। ये जो न्यूक्लियस बना है ये कहाँ जाके फ्री हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ बना, यहाँ है, फ्री हो जाता है, फ्री होके कहाँ चला गया, एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, देखिए, फर्स्ट डिवीजन हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना। ठीक है, फ्यू सब्सिक्वेंटली न्यूक्लियर डिवीजन हुए, एक प्राइमरी ये बना, इसके अलावा बहुत सारे अदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, आर नॉट अकम्पलीड बाय द वॉल फॉर्मेशन, लेकिन इनके चारों तरफ कोई वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियाई फ्री, ये जो पहले वाला न्यूक्लियाई यहाँ बना था ये फ्री हो जाता है और एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। न्यूक्लियाई फ्री इन साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रियो सैक, पहुंच गया वहां पे, देन रिमेनिंग जितने भी फ्री आपके न्यूक्लियाई हैं ये, इनमें धीरे धीरे बाद में वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। इस टाइप की न्यूक्लियर फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कोकोनट में देखने को मिलती है। सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज नेवर फाउंड कम्प्लीटेड, इसलिए वहां पर आप देखेंगे कभी भी कम्प्लीटेड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर। सेलुलर इस टाइप का न्यूक्लियर डिवीजन है, वहां पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनियन, साइटोकाइनियन का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई डिवाइड, यहाँ पर देखिए बहुत सारे एंडोस्पर्म के जो न्यूक्लियाई हैं डिवाइड हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन, थोड़ा थोड़ा उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ठीक है, वॉल फॉर्मेशन, एंड देन वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ धीरे धीरे लेटर मतलब बाद में, पहले डिवीजन करेंगे उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, अपने चारों तरफ एक वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हेलोबियल। हेलोबियल इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, मतलब कुछ करेक्टर इसके हैं और कुछ करेक्टर इसके हैं। इसमें फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो साइटोकाइनिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, वंस आर फ्री न्यूक्लियर, और फिर बाकी अलग हुई, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले एक न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, लेकिन पहले साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोकाइनिन के फॉर्म में हो रहा है तो ऐसे बने, और देखो इतने सारे यहाँ पे न्यूक्लियर डिवाइड हो गए साइटोकाइनिन के थ्रू। दो आपको पता है जो आपका ओव्यूल होता है उसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक पोलर साइड थी जहां पर माइक्रोपाइल थी और दूसरी पोलर साइड थी जहां पे कालर जात था। ठीक है, जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट है वो थोड़ा लार्ज पार्ट है, चैम्बर है, और जो दूसरा पार्ट है आपका कालर जात उसका चैम्बर थोड़ा छोटा है। तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं जो फर्स्ट डिवीजन में यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, साइटोकाइनिन के थ्रू, वो लार्ज नंबर पे कहाँ प्रेजेंट होंगे, उसकी तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। उन्होंने भी बताया है फर्स्ट डिवीजन साइटोकाइनिन के थ्रू हुआ, वंस आर फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किधर पाए जाएंगे, माइक्रोपाइल की तरफ पाए जाएंगे, और अदर फ्री जो बाकी फ्री न्यूक्लियाई है वो कालाजा एंड के पास पाए जाएंगे। उसमें से कुछ क्या होंगे, न्यूक्लियाई बाहर फ्री हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में एंड मे नॉट बी डिवाइड एट ऑल, और उसके बाद वो दोबारा डिवीजन शो नहीं करेंगे। इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं हेलोबियल, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। रिपीट कर रही हूँ इन शॉर्ट में अगेन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का मेन फंक्शन आप ये समझिए कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। तो जायगोट की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो अलग अलग टाइप के
प्लांट्स में अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मेनली तीन टाइप के क्या है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोपियन। न्यूक्लियर में कुछ नहीं, सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन होगा और उसमें से जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है उसमें से एक न्यूक्लियस बनेगा और वो क्या हो जाएगा, वो फ्री होके आपके एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। बाकी जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उनके चारों तरफ वॉल नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में लेटर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर। सेलुलर में क्या है, साइटोकाइनिन की बेसिस पर यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जो एंडोस्पर्म की न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और उनके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सेलुलर और बाद में लेटर ये भी अपने चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। हेलोबियल, हेलोबियल क्या है, वो इन दोनों का मिक्सचर है। सबसे पहले वो साइटोकाइनिन के थ्रू क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है, उसमें से एक न्यूक्लियस निकलकर कहां पहुंच जाता है, जहां पे माइक्रोपाइल का लार्ज चैम्बर प्रेजेंट होता है और वहां बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन फर्दर होती रहती है। दूसरी तरफ जो अदर न्यूक्लियाई है वो दूसरी तरफ टाला जाल की तरफ आ जाते हैं और वहां पर वो कुछ उसमें से फ्री होते हैं, जो फ्री हो जाते हैं फर्दर डिवाइड नहीं होते, यहाँ पर उन्हीं की फॉर्मेशन होती है। इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म को बोलते हैं हम हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ये सारे ही एक क्या दे रहे हैं आपके एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिटिव सेल्स या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फंक्शन करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, कंटिन्यू करेंगे आगे।